और सीरिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। आतंकी संगठन आईसिस ने बड़ा आतंकी हमला किया है। इस आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसिस ने आतंकी हमला किया है और इस आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। सीरिया से ये बड़ी खबर, जहां पर बड़ा आतंकी हमला किया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसिस ने यह आतंकी हमला किया है। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इधर मुंबई के एक टोल नाके पर कई लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। ये पूरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि नवी मुंबई के बोल्ले टोल नाके के कर्मियों ने जब टोल भरने को कहा तो लोग भड़क गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने टोल के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ये पूरा हंगामा काफी देर तक चलता रहा। काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बच्चा करेगा, वो भी नहीं करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जबान घी की कीमत बताने के दौरान फिसल गई। शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के चक्कर में उन्होंने 1 किलो घी की कीमत 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बता दी, जिसके बाद इमरान खान की फजीयत हो गई। उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। असल में महंगाई के मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के लिए इमरान खान एक पर्चे पर लिखी चीजों के दाम पढ़कर बता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 1 किलो घी की कीमत 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बता दी। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। हालांकि इससे पहले भी इमरान अपनी बेइज्जती कराने वाले बयान दे चुके हैं। मई 2022 में इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी तुलना गधे से कर डाली थी। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ रही रेप की घटनाओं के लिए महिलाओं के कम कपड़ों को जिम्मेदार बताया था। इमरान ओसामा बिन लादेन को शहीद बताकर भी अपनी वजीयत करवा चुके हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार की खबर है। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और चीन का भाईचारा पूरी तरह गायब दिख रहा है। माना तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान भी चीन की चालबाजी समझ चुका है और उसे एहसास हो चुका है कि चीन की दोस्ती से उसे कर्ज के बोझ के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले करीब 2 दशकों में पाकिस्तान और चीन के बीच कारोबार कई गुना बढ़ा है। चीन ने पाकिस्तान में एंट्री की अपने CPEC प्रोजेक्ट के जरिए। 6,500 करोड़ डॉलर के इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम हुई करीब 17 लाख करोड़। 2022 के पाकिस्तान के बजट से ये रकम दुगनी है। इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखकर पाकिस्तान की आंखें इस कदर चौंधिया गई थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चीन तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नोचता चला गया और पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसता चला गया। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।